नकल हब असेंबली होता है, तो ये जो नकल हब असेंबली है इसमें ये जो दो नंबर का डायग्राम दिख रहा है, दो नंबर का जो पार्ट दिख रहा है ये, और ये छः नंबर का जो पार्ट दिख रहा है, ये दो बुश ये रेयर असेंबली में लगते हैं, और ये पूरा असेंबली को ये हब होता है ये वाले पार्ट, और ये नकल होता है और ये रेयर टायर में लगता है, तो ये पूरे पार्ट को रेयर नक असेंबली कहते हैं, और ये पार्ट में दो बुश लगते हैं। ये नकल उसी प्रकार हम देखेंगे, तो अभी रेयर सस्पेंशन में ही हम जाएंगे, तो रेयर सस्पेंशन में लिंक कंट्रोल अपर एंड लोअर आर्म ऑफ रेयर सस्पेंशन XUV500O, जिस प्रकार अभी ये जो रॉड देख रहे हैं अपन, ये अपर आर्म कहते हैं ये रॉड को, इसमें ये वाला जो बुश होता है एक बुश लगता है, ये वाला जो रॉड है इसको हम लोअर आर्म कहते हैं, और ये लोअर आर्म में ये 12 नंबर के दो बुश लगते हैं, और ये जो 6 नंबर वाला रॉड है और 15 नंबर वाला रॉड है उसे हम क्या कहते हैं देखेंगे, उसे हम असेंबली अपर लिंक रेयर कहते हैं ये 6 नंबर वाले रॉड को, और 15 नंबर वाले रॉड को असेंबली लोअर लिंक फ्रंट, मतलब ये नकल में लगते हैं ये 15 नंबर वाला रॉड और 6 नंबर वाला रॉड ये नकल में लगते हैं। उसी प्रकार ये जो 18 नंबर और 18 नंबर के रॉड में टो रॉड बॉयल जॉइंट रॉड कहते हैं इसे, और उसमें 19 नंबर का जो बुश लगता है, तो ये इसको इसमें व्हील अलाइनमेंट का सेटिंग होता है, तो ये रॉड इतने पार्ट लगते हैं और इतने बुश लगते हैं एक साइड में ऑफ रियर सस्पेंशन। फाइनल टाइटनिंग का काम चालू है। कैसे नाम है यार ये तो? बैलेंस रोड की नई बुश, ये फ्रंट रेयर असेंबली और बुश दो बार अपनी दो बार बुश अपनी ध्यान रखें अपनी ये बुश ये रेयर फ्रंट असेंबली अंदर असेंबली बुश दो बार